जबकि एग्रीकल्चर लैंड उनकी हमारे देश से कम है। एवरेज रेनफॉल देखे तो हमारे देश की 1000 मिलीमीटर है, जबकि चाइना में 600 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है। कमी क्या है हमारे और चाइना में? चाइना ने 25,000 डैम बना लिए, वो वाटर का एक एक ड्रॉप रेन वाटर का एक एक ड्रॉप हार्वेस्टिंग करते हैं, जबकि हमारे देश में अब तक सिर्फ 5,000 डैम है। और आज भी बरसात का 70% से ज्यादा पानी बह के नदियों के मार्फत समुद्र में चला जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसे आज घर में पीने का पानी हम स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे ही आज सिंचाई के लिए पानी गांवों में और खेतों में स्टोर करके रखना पड़ेगा। भारत सरकार ने भी पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना पे एलोकेशन बढ़ाया है, फोकस किया है, लेकिन हमारी कंपनी ने इस बात को 2005 में रियलाइज कर लिया था और 2005 में एक नारा दिया था कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। और हमने पूरे देश के अंदर वाटर पानी बचाओ कैंपेन चलाया। हमारे ब्रांड अम्बेसडर हैं, आप सब लोगों ने टीवी में देखा होगा, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे सिंगर हमारे ब्रांड अम्बेसडर है, जो जिनका पंचलाइन है कि आप पानी बना तो नहीं सकते पर बचा जरूर सकते हैं। तो आज खेती की इनकम किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए एक पानी की बहुत बड़ी महत्ता है। पुराने का भी हमारे अगर हिस्ट्री हम देखें कि रही हुए हैं जिन्होंने कहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे माटी मानस चून। पानी की महत्ता को अगर देखें तो हमारे पुराने कवियों ने भी अपनी भाषा में महाभारत में जिक्र आता है, जब 5 पांडव तालाब के पानी पीने गए, वहां यक्ष रक्षा करता है और वो भीम से प्रश्न पूछता है, वो आंसर नहीं करता, पानी गिरने लगता है तो वहीं पे गिर जाता है। तो पानी की महत्ता हमारे हिस्ट्री माइथोलॉजी में देखे हैं तो बहुत शुरू से मेंशन है, लेकिन जब से ट्यूबवेल से पानी आने लगा तो एक तरह हम लोग पानी की महत्ता को भूल गए। लेकिन आज समय आ गया है कि फिर से पानी की महत्ता को समझा जाए। और जैसे गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, शायद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू किया था, और हमारी कंपनी ने भी अभी 17 अप्रैल 2017 में चंपारण से ही एक आंदोलन शुरू किया कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए पूरे साल देश में आयोजन करते रहेंगे। और हमने किसानों के लिए एक लिटरेचर भी प्रिंट किया कि कैसे वो आमदनी दुगनी कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में श्री राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी इस बात पर फोकस किया कि आज जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करें। अनफॉर्चुनेटली इस क्षेत्र में बातें तो बहुत हुई, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर वाले गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाते हैं कि आओ मिलकर काम करें, वैसे तो आज हमारे देश में शेड्यूल कास्ट का कानून नहीं है, लेकिन आज भी प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत सी जगह ये कहते हैं नहीं 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 हम प्राइवेट वालों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, अछूत लोग हैं। जबकि देश में आज देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जितना कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है फार्मर्स की आमदनी बढ़ाने में, मेरा ख्याल है अगर डेटा देखा जाए यूनिवर्सिटीज का या दूसरे रिसर्च एक्सटेंशन सिस्टम का कि वो कितने किसानों तक पहुंचे और कितने किसानों की आमदनी उन्होंने बढ़ाई, मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उनको बात समझ आई और उन्होंने पूरे देश में 100% बीओचार आंदोलन शुरू किया। वो हमारे साथ फील्ड में भी गए, राजस्थान में गए, किसानों के बीच में बैठ कर उन्होंने देखा कि मूंगफली का बीटावैक्स से ट्रीटेड सीड जिसमें जो रूट्स काली पड़ जाती हैं और जिससे पौधे मर जाते हैं, सिर्फ बीजोपचार से राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटीज का डाटा है कि मूंगफली की 30% पैदावार
बढ़ गई। हमने मध्य प्रदेश में सोयाबीन के किसानों के बीच में काम किया। सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड डायरेक्टर पीएस भटनागर साहब हमारे प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 3 साल लगातार किसानों के खेतों में हमने डेमोन्स्ट्रेशन लगाए अपनी टेक्नोलॉजी के, और मुझे गर्व है कि वहां पे 40% पैदावार बढ़ी। तो आज पैदावार बढ़ाने की गुंजाइश है। हमारी यूनिवर्सिटीज में काम बहुत हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य कि वो टेक्नोलॉजी रिसर्च पेपर की शक्ल में लाइब्रेरी में बंद हो जाती है, किसानों के फायदे के लिए बहुत कम पहुंच पाती है। तो आगे रिसर्च तो होनी है, रिसर्च का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जब अमेरिका ने आंखें दिखाई कि गेहूं नहीं देंगे आपको, तो उन्होंने प्रधानमंत्री हाउस के लांग उड़ा के गेहूं बोवा दिया था। हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग शुरू करवा दी थी और जय जवानों जय किसान का नारा दिया था। और इसी में हमारे एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा जोड़ा था, जय विज्ञान। मतलब ज्ञान के बिना कुछ संभव नहीं है। रिसर्च और नया ज्ञान जब तक नहीं होगा और ये ज्ञान किसानों तक हम नहीं पहुंचाएंगे, तो यही कहते रहेंगे कि चीन की पैदावार हमसे 3 गुना ज्यादा है। हमारा किसान कम मेहनती नहीं है। अगर हमारे किसान को 2 चीजें हम दे दें, एक सही टेक्नोलॉजी और ज्ञान और एक सही इनपुट, तो आज हमारे देश का किसान भी चमत्कार कर सकता है, वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड को खिला सकता है, इतनी पैदावार हमारे देश में कर सकता है। तो आज जो लोग बैठे हैं मंच पे, मैं तो प्राइवेट सेक्टर का एक छोटा सा आदमी हूँ, ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से कहे कि कैसे ये 2 चीजें हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का साथ मिल जाए तो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और हम काफी किसानों का फायदा कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।